गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसमें हम चैप्टर नंबर 3 द नॉटी डॉग पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने वर्कशीट बनाई है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ऑल एनिमल्स वर ट्रबल बाय जैकी, सभी एनिमल्स क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे जैकी के कारण, क्योंकि वह उनको परेशान करता था तो तंग आ गए थे सारे एनिमल्स। वन डे दे डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन, एक दिन उन्होंने सभी एनिमल्स ने क्या सोचा कि हमें उसको कुछ सिखाएंगे। दे वेंट टू टॉमी, मतलब उसको कुछ सबक सिखाएंगे, इस तरीके से उसने सारे एनिमल्स ने सोचा। दे वेंट टू टॉमी, वह टॉमी के पास गए। टॉमी कौन था, ए बिग डॉग, ये बड़ा डॉगी था। हु लिव नेक्स्ट डोर, जो दूसरी जगह, मतलब जहाँ पे वो एनिमल्स रहते थे फार्म में, उसके दूसरी तरफ ही दूसरा कोई जगह होगी जहाँ पे वो टॉमी रहता था। टॉमी वॉज वेरी काइंड एंड फ्रेंडली, टॉमी क्या था, बहुत दयालु और फ्रेंडली नेचर का था, सब में फटाफट से घुल मिल जाता था। ही सेड टू द एनिमल्स, उसने एनिमल से कहा, टॉमी था उसने एनिमल से कहा, बी ए पीट, शांतिपूर्वक काम से काम करोगे, आई शैल टीच जैकी ए फाइन लेसन, हम क्या करेंगे उसको एक अच्छा सा लेसन सिखाएंगे, मतलब अच्छे सबक सिखाएंगे यानी कि। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन जैकी केम टू टीच द एनिमल, जब जैकी सभी एनिमल को टीच करने लगा यानी कि छेड़छाड़ करने लगा, परेशान करने लगा, टॉमी बार्क एट हिम, टॉमी ने क्या करा, उसकी तरफ भौंकने स्टार्ट किया। ही पुल जैकी टेल, उसने क्या करी, टॉमी था उसने जैकी की जो टेल थी, पूंछ थी, उसको खींचा, बाइट हिज ईयर, उसके कान को काटा, ईयर को, एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उसको नीचे की तरफ धकेल दिया। तो वो क्या करने लगा, जैकी बो बो भौंकने लगा, क्राइड जैकी, जैकी इस तरीके से रोया चिल्लाया। Why do you hurt me? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, किसने कहा, जैकी ने टॉमी से कहा। Because you hurt other animals, तो टॉमी ने क्या रिप्लाई किया, क्योंकि तुम और दूसरे एनिमल्स हैं उनको क्या करते हो, दुखी करते हो। Said टॉमी, ऐसा टॉमी ने कहा। जैकी learned a lesson, जो जैकी ने क्या सीखा, एक सबक सीखा कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा अगर हम किसी के साथ करते हैं, अगर वही चीज़ हमारे साथ होती है तो कितना गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना। मान लो आप किसी को परेशान कर रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है उससे, लेकिन कभी कोई पर्सन आपको उसी चीज़ से परेशान करे तो फिर क्या होता है, आप भी परेशान होते हो। इसलिए उसने इस तरीके से ये सबक सीखा। ही सैड, उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई विल नॉट टीज एनिमल एनी मोर, मैं अब एनिमल्स को, मतलब और जानवरों को परेशान नहीं करूँगा। जैकी हैज़ बिकम अ जेंटल डॉग नाउ, अभी वो बहुत समझदार, जेंटल मतलब समझदार डॉग बन गया था। ही हैज़ स्टॉप टीजिंग एनिमल्स, उसने क्या कर दी थी, क्या करना बंद कर दिया, छेड़छाड़ और परेशान करना, तंग करना बंद कर दिया। ओके, ये चैप्टर आपको समझ में आया, अब इसकी वर्कशीट है जो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। डेट लिखिएगा आप, 27 डे मंडे, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3 नॉटी डॉग। अब मैंने डिक्टेशन लिखे हैं, पीस, शांति, सॉरी, माफ़ी, लर्न, सीखा, टीजिंग मतलब छेड़छाड़ करना, तंग करना, काइंड मतलब चिल्लाना या रोना, काइंड मतलब दयालु। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड जैकी लिव, तो आपको लिखना है जैकी लिव इन फार्म, कौन से फार्म में था, सागर फार्म, सागर भी लिख सकते हैं आप, सागर फार्म। When did the farm belong to, फार्म किससे बिलोंग करता था, द फार्म बिलोंग टू एनिमल्स, ठीक है, यानी कि उसमें एनिमल्स रहते थे। Whose tail did Jackie pull, जैकी ने किसकी पुल टेल खींची थी, जैकी पुल द काउस टेल। Whose ear did Jackie bite, जैकी ने किसके ईयर को बाइट किया था, किटन के, जैकी बाइट द किटन्स ईयर। Who taught Jackie a lesson, किसने सिखाया था जैकी को लेसन, टॉमी थॉट जैकी ए लेसन। ओके, नेक्स्ट टाइम मैच द फॉलोइंग,
तो आपको ये मैंने एनिमल्स दिए हैं, इनको उनके पपी से, उनके बच्चों से उनको मैच करवाना है। जैसे काऊ है तो काऊ को आप काऊ की बेबी से मैच करेंगे, हैन को हैन की बेबी से मैच करेंगे, हॉर्स को हॉर्स की बेबी से मैच करेंगे, डॉग को डॉग की बेबी से, कैट को कैट की बेबी से। ओके, ये आप इस तरीके से करेंगे। राइट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब आपको यहाँ पर फाइव फाइव एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लिखने हैं, जिनको हम मतलब पालतू होते हैं जैसे, ठीक है, उनको लिखने हैं, और यहाँ वाइल्ड जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं। इसमें आपको कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।